नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर के आई हूँ, टेस्टी से टमाटर के पराठे और एप्पल के रायते, है ना। आप खा के देखिएगा, ये बहुत अच्छी लगती है। तो फिर चलिए देख लेते हैं ये बनती कैसे है। डिलीशियस टमाटर के पराठे बनाने के लिए मैं यहाँ पे ली हूँ 5 टमाटर, थोड़े से अदरक लहसुन और मिर्ची, और प्याज ली हूँ छील करके। पांचों टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट कर दूँगी और एक मिक्सी के जार में डालेंगे। साथ ही इसमें अदरक लहसुन और जो हरी मिर्ची थी उसे भी डाल देंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे क्योंकि टमाटर में खुद ही पानी होती है। यहाँ जो प्याज है इसे हम ग्रेट कर लेंगे। इसे मैं नहीं पीसूंगी, नहीं तो इसकी टेस्ट पराठे में पता ही नहीं चलेगी। और यदि कट करके डालेंगे तो वो चंकी चंकी सा मुँह में भी आएगा और बेलने में बहुत दिक्कत होगी, पराठे हमारे फट जाएंगे। तो इसीलिए ग्रेट करना ही उचित है। यहाँ टमाटर अदरक लहसुन मिर्ची की मैं प्यूरी बना ली हूँ, उसमें ऑनियन डाली हूँ, स्वादा अनुसार नमक डालूँगी। साथ में आप अजवाइन ज़रूर डालिए, ये आपके सुपाच्य रहती है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं 1/4 कप बेसन डाल रही हूँ, साथ ही 2 कप गेहूँ का आटा ली हूँ, इसे ऐड करूँगी और एक अच्छा सा मिक्स दूँगी। पानी बिल्कुल भी नहीं डाली हूँ मैं और मिक्स दे रही हूँ। थोड़ी सी ये जो आटा है वो गीली लग रही थी, इसलिए मैं थोड़ी सी सूखा आटा डाल करके बहुत अच्छी तरह पंच करूँगी। और ये हमारी तैयार हो गई है आटा। इसमें थोड़ी सी मैं शुद्ध घी ऊपर से ले करके लगा दूँगी। इसमें पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे सफ़र में भी बना के ले जा सकते हैं। बहुत स्वादिष्ट और बहुत टिकाऊ पराठा होती है, जल्दी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि इसे जब मैं लगाने में पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं की हूँ। टमाटर में जो पानी निकलती है उसी से हो गई है। एक छोटी सी पेड़ा लूँगी, इसे मैं बेलूँगी। जिस तरह मैं बेल रही हूँ आप इसी तरह बेल लीजिए। ये बहुत आटा सॉफ्ट होती है। इसके ऊपर घी अच्छी तरह से लगा दीजिएगा। एक लेयर मैं घी की लगाऊंगी और थोड़ी सी आटा को स्प्रिंकल करूंगी। और देखिए मैं जिस तरह फोल्ड कर रही हूँ, इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिएगा। फोल्ड करने के बाद इस तरह से राउंड घुमा करके जो लास्ट पार्ट है उसे नीचे में लगा के और इस पेड़े को बेल लेंगे। इस तरह से करने से पराठे में बहुत अच्छी अच्छी लेयर बन जाती है और बहुत खुल के पराठा सिकती है। पहले से हीट की हुई तवे पे इसे डालेंगे और शुद्ध घी, बटर या फिर आप कोई भी जो ऑयल पसंद करते हैं वो लगा के एक क्रिस्पी सा पराठे को सेक लीजिए। और गाइस, ये पराठा रियली बहुत स्वादिष्ट लगती है। इसमें तीखा, चटपटा, खट्टा सब कुछ है, है ना। और टमाटर की फ्लेवर जो है बहुत स्वादिष्ट लगती है। आप ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में, किसी भी समय रायते के साथ, सब्जी के साथ ले सकते हैं इसे। मैं आज इसे एप्पल रायते के साथ आपको सर्व करूँगी। एप्पल रायता भी थोड़ी सी हल्की सी मिठास के साथ बनती है, तो इस पराठे के साथ उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। आप सफ़र में बना के ये पराठे को ले जा सकते हैं। यहाँ एप्पल रायते के लिए मैं एक एप्पल, थोड़ी सी अखरोट, थोड़ी सी बादाम और थोड़ी सी काजू ले ली हूँ। यहाँ एप्पल को छील के कट कर लूँगी और सारे ड्राई फ्रूट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। एक पैन में थोड़ी सी बटर या घी आप डाल लीजिए, जस्ट 1 चम्मच। इसमें मैं कटी हुई जो ड्राई फ्रूट है उसे रोस्ट करूंगी ताकि रायते में थोड़ी क्रंचीपन आए। रोस्टेड ड्राई फ्रूट डालने से जब भी हम रायता मुंह में लेंगे, रायते की बाइट लेंगे, तो बहुत अच्छी सी क्रंची क्रंची ड्राई फ्रूट लगेगी। और साथ में ये जो एप्पल है इसे भी डाल देंगे और हल्का सा सौते करेंगे। यहाँ मैं एक जान के लिए रायता बना रही हूँ, एक मेंबर के लिए। यहाँ 1 बड़े चम्मच चीनी डालूँगी और चीनी मेल्ट होने तक स्टर करूँगी।
इस तरह से करने से जो एप्पल है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी और उसकी टेस्ट रायते में बहुत अच्छी जाती है। यहाँ मैं एक कप दही ली हूँ क्योंकि मैं एक मेंबर के लिए ही रायता बना रही हूँ। स्ट्रेनर में रख के दही को छान लीजिए। हमेशा रायता इसी तरह छान के आप बनाइएगा तो रायते में लम्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे और बहुत स्मूथ सी दही लगेगी। सारे ड्राई फ्रूट और जो एप्पल मैं तैयार की थी उसे ऐड करूँगी, साथ ही काला नमक और जीरा पाउडर डालूँगी। स्वादानुसार नमक डालेंगे और इसे एक अच्छा सा मिक्स दे देंगे और ये रायता, टेस्टी सी रायता रेडी है पराठे के साथ खाने के लिए। और इन दोनों की कॉम्बिनेशन तो रियली गाइस बहुत अच्छी लगती है। बस यहीं तक की थी हमारी वीडियो। यदि आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे एक ट्राई दे दीजिएगा और यदि वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक दे दीजिएगा। हमारी गुजारिश है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।